हे फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल। मैं हूँ सागर और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं हिंदू गर्ल टोल्ड ट्रूथ अबाउट योगी एंड मोदी। तो तो चलिए चले वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू और मुसलमान को अलग अलग दो हिस्सों में बांट दिया, राम मंदिर और मस्जिद को लेके, कि नहीं यहाँ तो भैया राम जी का मंदिर है, राम जी का पत्थर था, ये था वो था, बहुत सारी चीजें हैं मैम। हद से ज्यादा आपको एक चीज नहीं, बुरखों के लेके बहुत सारी बात है, बुरखा को लेके बोल दिया कि लड़कियां बुरखा में रहती हैं अंदर से, बहुत सारी चीजें, एक चीज नहीं है। मैं एक कॉमन सी चीज बताती हूँ, मैं चांदनी चौक से अपना लाल किले जाने के लिए मैं बैठी हुई थी, मैं बुरखा में थी और एक पंडित जी थे, वो रिक्शा ही पकड़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा मेरी तरफ, उन्होंने छूटे बोला नहीं आप जाओ, मुझे नहीं बैठना इस रिक्शे में, और वो जस्ट मेरे पीछे वाले रिक्शे में बैठे। तो ये चीजें भी ना ये बीजेपी के आने के बाद से हुई है। योगी ने तो इतना बत पूछो मत, उसने तो हिंदू मुसलमान का ऐसे कर दिया है कि मुसलमान है ना गाय खाते, ये खाते, वो खाते, ये वो फलान ठिकान। कह रही है मोदी और योगी मुस्लिम विरोधी, बहुत बड़े वाले। बीच में तो ये अफवाह उड़ा दी थी कि भैया कोरोना मुस्लिम लाए है, कोई जरा सा कुछ हो जाता है आतंक मुस्लिम है। एक बजरंग दल का मेंबर जिसका नाम चौधरी था, उसने बम फेंका था, दो लोग मारे गए, पकड़े। क्या इन लोग पे मकाफा लगाया आपने? क्यों नहीं लगाया? जुलाई के अंदर 2006 में एक बम फूटा, चार लोग मरे। कौन लोग? जो बम बनाते वही मरे। उसमें से एक आदमी बजरंग दल का था, बम बनाते हुए फट गए, बम के साथ पकड़े गए, उनके लिए मकाफा लगाया क्या आपने? बम के साथ पकड़े गए, चार लोग मारे गए, 11 लोग घायल हुए। कौन कहता है? पुलिस फोर्स। और लोग प्लानिंग कर रहे थे मुसलमान के बेस में हमला करे, कई लोग पकड़े जाते, दाढ़ी उनके पास, हम मुसलमान के बेस में हमला करेंगे और मुसलमान को दोषी ठहराएंगे। तो ये कहना कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आप कहते 100%, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो सकता है मुसलमान कर सकते, तो क्यों मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है? बराबर तहकीक करो, मुसलमान रिस्पॉन्सिबल पकड़ो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन बेबुनियाद पकड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं, वक्त की कमी होने की वजह से। मैं तकरीर के आखिर में कहना चाहता हूं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि अगर दंगे फसाद इस मुल्क में बंद होंगे तो सारे आतंकवादी हमले बेशक फौरन बंद होंगे, ये मेरा दावा है। जितने भी दंगे फसाद हुए वो लोग को पकड़ो, चाहे बाबरी मस्जिद के जो लोग ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, टेलीविजन पे उनका सबूत है, पेपर पे सबूत है, पकड़ो जेल में डालो। गुजरात राइड जिसने किए, बॉम्बे राइड जितने किए, पकड़ो। श्री कृष्णा रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? कमीशन तो बिठा देते, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? डर है क्या वोट बैंक जाएंगे? बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट का जजमेंट आया, 100 लोग से ज्यादा को दोषी ठहराया गया, कई लोग को फांसी की सजा हुई, कई लोग को उम्र कैद, अक्सर मुसलमान थे। जज कहता है कि मुसलमान जिम्मेदार थे, हम आपकी बात को मानते, अगर 100% भी सही नहीं तो 95% आप सही है, हम आपके साथ है, उनको सजा दो अगर वो हत्यारे हैं। लेकिन श्री कृष्णा रिपोर्ट क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? इंप्लीमेंट नहीं किए इसलिए और अटैक हुए। आप श्री कृष्णा रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करो, गुजरात राइड वालों को दोषी जो है उनको सजा दो, बाबरी मस्जिद के लोगों को सजा दो, आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे। और राइड्स को रोकना बहुत आसान है, पुलिस फोर्स आराम से राइड्स को रोक सकती, टेररिस्ट अटैक को रोकना, कुछ को रोकना मुमकिन है, 100% नामुमकिन है। कौन कहते? एक्सपर्ट्स कहते, पुलिस फोर्स खुद कहती है। आपको रोकना है तो मुसलमान को साथ लेना पड़ेगा, सारे हिंदुस्तान के नागरिक को साथ लेना पड़ेगा, तो जो इस देश के दुश्मन है उसको बाहर निकालेंगे। अभी एक नया ग्रुप पैदा हुआ, इंडियन मुजाहिदीन, मुजाहिद लोग है। मेरे हिसाब से मुजाहिद है ही नहीं, बुजदिल लोग है, मुजाहिद तो मैं हूं। मुजाहिद का मतलब जिहाद करना,
जिद्दोजहद करना, ये बुजदिली है। बेगुनाह लोग की जान लेना किधर की मर्दानगी है। ये इंडियन मुजाहिद है क्या, मैं जानता नहीं हूं। यूएन रेडली से पूछा गया अलकायदा व्हाट आर योर व्यूज, आई डाउट व्हेदर अलकायदा एग्जिस्ट। ये इंडियन मुजाहिद है क्या, मैं जानता नहीं हूं। ये मीडिया कहती है कि इंडियन मुजाहिदीन है क्या, मैं जानता नहीं हूं। लेकिन है मुसलमान का गैर मुस्लिम है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको बराबर अरबी लिखते ना तो गैर मुस्लिम लोग है। जो भी है नाम तो बिल्कुल गलत है, वो मुजाहिद तो है ही नहीं, इस्लाम के खिलाफ है। कुरान की एक भी आयत नहीं कहती बेगुनाह को कत्ल करो, कोई भी हदीस नहीं कहती बेगुनाह को कत्ल करो। ये मुजाहिद है ही नहीं, इंडियन भी नहीं है। कोई भी अच्छा हिंदुस्तानी इस देश का बुरा नहीं चाहेगा। मेरे हिसाब से ये इंडियन भी नहीं और मुजाहिदीन भी नहीं है। अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, मैं डिबेट करने को तैयार हूं कि इंडिया में इनोसेंट लोगों को मारना ही नहीं चाहिए, चाहे मुजाहिद ग्रुप हो, अलकायदा हो, बिन लादेन को भी हो, सामने आओ। मेनी टाइम दिस फिक्टिशियस क्रिएटेड बाय द मीडिया, ना इंडियन है ना मुजाहिद है। मैं इंडियन हूं, मैं मुजाहिद हूं। मेरी दरखास्त है के पॉलिटिशियनों से के पॉलिटिशियन लोग हक का साथ देना चाहिए। अपनी कुर्सी की फिक्र मत कीजिए, आखिरत की कुर्सी की फिक्र कीजिए। चाहे आप हिंदू है, हिंदू मतलब की किताब में लिखा है श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यहां भले मर जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे, आपको यहां कुर्सी क्यों फिक्र है, आखिरत का डर है क्या नहीं। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सारे मजहब की किताब में लिखा है आखिरत में आपको जाना है। मुझे मेरी कुर्सी की फिक्र है आखिरत में। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आखिरत में मुझे कोई जन्नत में दाखला मिले, मुझे नहीं पता, इससे तो जिहाद कर रहा हूं। मैं पॉलिटिशियन से कहता हूं कि आप हक का साथ दो, अदल का साथ दो। आप सीट पकड़ने की बात छोड़ो, हक के साथ आपको सीट मिलती है तो पकड़ो, अगर बातिल का साथ देना छोड़ दो। इधर आपको सीट मिले या नहीं मिले, आखिरत में जरूर मिलेंगे अगर हक का साथ देंगे तो, फिर हमारा देश तरक्की करेगा, चाहे आप हिंदू पॉलिटिशियन हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो। नंबर दो, मैं कहना चाहता हूं आम नागरिकों से कि पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ, आपस में झगड़ा मत करो, हिंदू मुस्लिम साथ में रहना चाहिए। जैसा मैंने कल कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदू। ओ तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। और वो जो लड़की कह रही थी कि स्टार्टिंग में जो योगी आदित्यनाथ जी है उनके आने से ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, फर्क हो रहा है लोगों में, क्योंकि एक पंडित जी जब उसने बुरका पहना था तो पंडित जी ने रिक्शे में बैठने से मना कर दिया। तो ये नज़रिया जो है वो बदलना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि किसी भी एक को आप जज नहीं कर सकते उसके धर्म से। अगर एक अच्छा इंसान, हाँ, एक कपड़े से अगर कोई बुरका पहना है और किसी ने टोपी पहनी है और वो मतलब आपको लग रहा है कि वो मुस्लिम है और आपको उससे अटैच नहीं रहेंगे, तो ये बहुत मतलब गलत बात है। इंसानियत की भी मतलब कोई चीज़ है, क्योंकि इंसानियत बड़ी मतलब धर्म से भी बड़ा एक चीज़ है इंसानियत, जो आपको निभानी होती है इस अगर आप धरती पर आए हैं इंसान के रूप में। तो आपको ये नहीं कि मतलब हर कोई इंसान सेम ही होता है हर किसी की, क्योंकि ऐसा नहीं कि सभी हिंदू लोग है वो सही है, सभी मुस्लिम लोग है वो सही है, ऐसा नहीं होता। हर किसी धर्म में गलत और बुरे लोग होते हैं, अच्छे भी लोग होते हैं, तो लोगों को पहचानना चाहिए। हाँ, अगर कोई बहुत गुनहगार है तो आप उससे दूर रहिए, ना कि किसी धर्म की वजह से आप लोगों से दूर होते, क्योंकि बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग जो है वो इफ्तारी के लिए मुसलमानों के घर जाते हैं, पॉलिटिशियंस भी जाते हैं, सोशल मीडिया पर वो चीज़ें वायरल भी होती है। और हम सब तो आम लोग हैं, हमारा तो कॉन्टेक्ट होता ही है मुस्लिम भाइयों से, और मुस्लिम सहेलियाँ भी है मेरी, इनकी भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम उनसे दूरी बनाए रखें। और ऐसा मतलब उन्होंने अगर कर दिया हमसे दूरी बनाए रखी तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ये नहीं। एक देश में रहना है तो एक साथ रहना होता है, और किसी को भी अपने धर्म का गर्व नहीं करना चाहिए ऐसा तो मुझे लगता है, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है बाद में। और जो भी ब्रिटिश यहाँ पर आके रह के चले गए, उन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला है हिंदू और मुसलमानों के साथ, दोनों को बांट कर चले गए। हाँ। आज तक हम लड़ते हैं और आगे भी शायद से लड़ते रहेंगे, इतना तो मुझे पता है। और पहले जो लोग थे, मतलब एक एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये हमारे महाराष्ट्र में है,
कि पहले जो वरिष्ठ जाति के लोग होते थे वो दलित लोगों को बहुत कम मानते थे और बहुत कुछ ऐसे उन्हें ट्रीट करते थे कि वो कुछ नहीं है। लेकिन अभी मतलब कायदा ही इतना बदल चुका है कि अभी उन जाति के लोग जो अपने आप को बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच गए, हाँ, वो जो बताते थे कि हम हमारी जात तो इतनी बड़ी है, उन्हें कोई भी गवर्नमेंट ने कोई भी सहूलत या कोई भी दिया नहीं है कुछ मौका, तो वो जो उन्हें जो नीचा दिखाते थे उन लोगों को अभी इतना इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि वो बहुत बड़े ओहदे पर जा चुके हैं। तो किसी भी धर्म को कम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये मुझे इस बात पर बहुत हंसी आती है कि लोग अगर अपने आप को बड़ा समझते हैं और किसी को कम, तो ये उनकी बहुत बड़ी ना समझी है कि मतलब हर किसी के दिन आते हैं और ऊपर वाला तो बैठा ही होता है, कौन गलत करता है कौन सही करता है उसे दिखता है, और अगर आप गर्व करते हैं तो एक दिन आपको ये समझ में भी आएगा कि जिसे हम कम समझ रहे हैं वो बहुत मतलब वो भी आगे जा सकते हैं। तो किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो कोई भी हो किसी भी मज़हब का हो। तो इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।